हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल डिवास डिज़ायर। फ्रेंड, आपके सामने में ये जो है ये 5 kg का पार्सल है, ठीक है। और ये देखिए, ये मेरा नया स्टॉक में आया है क्ले जलेबी, तो जिनका ये मैं पार्सल पैक कर रही हूँ, तो ये बहुत ही प्यारी मेरी सब्सक्राइबर है, तो इनका ही ये आइडिया था, इनका ही फरमाइश था क्ले जलेबी का, तो मैंने बनवाया इनके लिए। तो आप देख लें मैंने क्या क्या दे रही हूँ इनको। पहले इन्होंने बिग आइटम में लिया है 2 ग्लास, ये देखें हाफ बेक्ड में लिया है और हल्का स्मोकी। और ये एक मैंने लिया बड़ा थाली, एक्चुअली में 2 थाली दिया मैंने, एक थाली मैंने बाद में ऐड किया। तो मैं फ्रेंड आपको बता दूं कि कौन सा जो टेस्ट होता है ना क्ले पॉट का, वो आपको टेस्टी लगेगा। एक्चुअली में हाफ बेक्ड हल्का स्मोकी, ये क्ले पॉट का यही सब टेस्ट खासियत होता है। ये देख लीजिए, मैंने इनको मिनी सॉसर दिया है, ये मैंने 4 पीस दिया है इनको मिनी सॉसर, ठीक है। और ये मैंने इनको क्ले आलू चिप्स दिया है। तो फ्रेंड, ये जिसके पास भी जा रहा है ना, ये थोड़ा सा ऊपर से धो ले, क्योंकि ये जो बना रही हैं तो वो ना मतलब मिट्टी पर वापस रख के बना रहे हैं, तो आप थोड़ा सा धो ले। और ये मेरा नया प्रोडक्ट आया है नकुमट बिस्किट, इसमें क्या है ना, नकुमट पाउडर और जो कोलकाता क्ले पॉट की जो मिट्टी होती है, वो मिट्टी और नकुमट का जितने किस्म के नकुमट है सब मिक्स करके ये नकुमट बिस्किट मैंने तैयार किया है। ये न्यू प्रोडक्ट आया है मेरा, मैं बाद में इसके बारे में अच्छे से डिस्क्राइब करूँगी, अभी जस्ट मैं पार्सल दिखा रही हूँ। फ्रेंड आप देख लें, 4 पीस मैंने टाइनीस्ट दिया है और 4 पीस मैंने इनको टाइनी दिया है। तो ये देखें, ये टाइनी है और ये टाइनीस्ट है। इसके अलावा मैंने इनको ये देख लें क्या क्या दिया है, मैंने पेबल पॉट दिया है, उसके संग में लीड दिया है। तो आप देख लें पेबल पॉट विथ लीड, और ये इसी का सेट होता है पेबल पॉट के ऊपर में लीड। तो हालांकि मुझे तो अलग अलग कॉस्टिंग आता है, और फ्रेंड एक बात है, एक ही कॉस्टिंग में ना मतलब टाइनी का कॉस्ट अलग लगता है, मिनी का कॉस्ट अलग होता है, बड़े बर्तन का कॉस्ट अलग होता है, आप समझे। ये गुल्लक देख लें, तो शायद मैंने इनको, ये आपको हल्का स्मोकी लग रहा है लेकिन ये हाफ बेक्ड है, ये कच्चे मिट्टी जैसा नहीं है, लेकिन ये बाद में मैंने ये हटा दिया, मैंने पूरा बिना स्मोकी वाला दिया इनको। और ये जो है ना, लाइट की वजह से आज सब प्रोडक्ट थोड़ा स्मोकी लग रहा है, मुझे समझ नहीं आ रहा क्यों, शायद लाइट प्रॉपर नहीं पड़ रहा, तो इसलिए ये 2 कलसी दिया मैंने इनको। ये हाफ बेक्ड में है और नॉन स्मोकी में है, मेरा कोशिश तो पूरा नॉन स्मोकी का ही देने का है, लेकिन हल्का स्मोकी आ जाता है क्योंकि भट्टी होता है ना। और ये मैंने 4 पीस इनको सुराही दिया है, और ये 2 पीस मैंने मेरे मिनी गगरी दिया है, और ये 2 पीस मैंने इनको दिया है टाइनी गगरी। तो फ्रेंड ये समझिए, जो टाइनी आइटम होते हैं ना वो कॉस्टली होते हैं और सब एक ही रेट में नहीं आता है, ठीक है। ये देखिए, मैंने इनको पुराने स्टॉक में से 2 हांडी बचा था, ये हल्का हाफ बेक्ड और हल्का स्मोकी है, मैंने इनको ये मिनी हांडी दिया, और अभी के स्टॉक का मैंने ये 2 टाइनी हांडी दिया है। ये हाफ बेक्ड है, 4 पीस टाइनी हांडी दिया, सॉरी 2 पीस नहीं, 4 पीस दिया है और 2 पीस बड़ा हांडी दिया है। ये 4 पीस मैंने इनको पाइप दिया है जो हाफ बेक्ड हल्का स्मोकी है। ये टाइनी गुल्लक देखें, देखें ये बड़ा गुल्लक और ये मिनी गुल्लक, तो इसका साइज़ कहाँ है टाइनी गुल्लक का, देखें ये मिनी गुल्लक से भी कितना छोटा है, देखिए बहुत क्यूट सा, क्यूटी है ये टाइनी गुल्लक का भी टेस्ट बहुत अच्छा होता है, लेकिन फ्रेंड ये कॉस्ट में ज़्यादा आता है। फ्रेंड ये सब आप समझें, एक रेट में आप सोचोगे कि कुछ भी ले ले, ऐसा नहीं होता है, बहुत कॉस्टिंग पड़ता है। ये मुल्तानी मिट्टी का क्ले पॉट आया है फ्रेंड हमारा, मुल्तानी मिट्टी का क्ले पॉट बहुत ही क्रंची है, बहुत ही टेस्टी, बिल्कुल गमी नहीं है, ठीक है। मैं एक दिन ये स्टॉक दिखाऊंगी, आपको बता दूंगी पूरा। और ये बहुत हल्का होता है, 1 किलो में शायद बहुत ज़्यादा चढ़े, जितना कोलकाता क्ले पॉट चढ़ता है ना उससे बहुत ज़्यादा चढ़ेगा मेरे ख्याल से, ये बहुत ज़्यादा मीन्स कुछ ज़्यादा चढ़ेगा। और ये देखिए, मेरे स्टार वाले आ गए हैं, तो मैंने इनको एक मोटा स्टार भी दिया है, मैंने इनको पतला स्टार भी दिया है। तो मैंने मोटा स्टार कम बनवाया था सैंपल से, लेकिन मैंने इनको दे दिया, ठीक है। ये मैंने इनको हट दिया है,
अपना हट नहीं दिया, क्ले हट दिया है। तो ऐसे तो कस्टमर तो हट ही में बसते हैं राइट, बट यहाँ पर मैंने क्ले हट दिया है, हल्का हाफ बेक्ड और स्मोकी है, और क्ले जलेबी। इनको कुछ और क्ले जलेबी चाहिए था तो इन्होंने बाद में और ऐड करवाया है, वो पेड है, ठीक है, उन्होंने पेड करके और ऐड करवा लिया। मिनिमम इससे कुछ उन्होंने और ज़्यादा लिया। और एक बता दूँ, जितने क्ले चिप्स जलेबी हैं और ये सब जो है ना फ्रेंड, इनका वज़न ज़्यादा है। आपको देखने में लगता होगा ये कम पड़ा हुआ है, लेकिन ये वेटी है, ठीक है फ्रेंड। और क्ले रोल भी आया है मेरा, ये देखें, ये सब का वेट है फ्रेंड, ये देखिए ये क्ले रोल। मैं क्ले रोल के बारे में भी अपना रिव्यू देना चाहूँगी, क्योंकि मैं अभी श्योर नहीं हूँ कि मेरा क्ले रोल का टेस्ट कैसा है, क्योंकि क्ले रोल मैंने खाया नहीं अभी। और ये देखें, मैं ये दे रही हूँ उनको कुल्फ़ी पॉट, 4 पीस कुल्फ़ी पॉट मैंने 4 पीस दिया है, ठंडाई गिलास दिया है मैंने 4 पीस। इसके अलावा मैंने ये देखिए छोटा सा क्ले कुकीज़ आया है मेरा छोटा सा, तो ये क्ले कुकीज़ दिया मैंने इनको। और ये चिप्स है, ये देखें ये चिप्स है, ये कुकीज़ है जो स्टार फूल और हार्ट शेप में है, दो दिया दिया है मैंने, दो दिया में एक डिज़ाइन वाला है और एक बिना डिज़ाइन वाला है, जो इनको अच्छा लगे। तो फ्रेंड मेरे जो न्यू स्टॉक है ना, मैं उसके मैंने ऑल ओवर मैंने दिखा दिया। एक इनको कभी सैंपल मांगती लेकिन नहीं है, लेकिन मैंने अपनी तरफ से एक पंजाब की बिस्किट दे दिया, इनको अच्छा लगे तो सही। और मैं आपको बात बताऊंगी फ्रेंड कि मेरे जो नया स्टॉक आया है ना, जो भी मतलब जो व्हील पे बनता है, जो क्ले पॉट है, उसका मेरा गारंटी है कि वो बिल्कुल ग्रिटी फ्री है। लेकिन फ्रेंड ये जो बिस्किट आए नकुमट बिस्किट, देखिए मेरा प्रोडक्ट तो क्या हुआ, क्योंकि ये पहली बार आया है और ये दूसरी जगह से बन के आया है, तो मैं खुद अभी श्योर नहीं हूँ कि मेरा अभी खुद कभी जलेबी में ग्रिटीनेस है या नहीं है, मैं अभी खुद नहीं बता सकती, क्योंकि कल ही ये ऑर्डर का था, कल ही मैंने एक जगह ऑर्डर दिया, ये मेरा माल कल ही आया, तो मैं ये कल ही आज ही डिस्पैच कर रही हूँ। तो मेरा क्ले रोल का और जलेबी का, नकुमट बिस्किट का और जितने कुकीज़ है, इसका अभी रिव्यू मुझे उतना मैं गारंटी से नहीं बोल सकती हूँ कि ये ग्रिटी नहीं है, तो हो सकता है ये ग्रिटी हो और हो सकता है ना भी हो, तो उसके लिए मेरा अभी मैंने कुछ ही मंगवाया है। और दीपावली के बाद मैं खाऊंगी, आज अभी मैं कुछ खुद भी क्रंच करूंगी। खैर तो मैंने जलेबी खाया उतना मुझे ठीक ही लगा, लेकिन मैं खुद भी क्रंच करूंगी। अगर इसमें कोई प्रॉब्लम है, अगर है, अभी तो मैंने, क्योंकि मैं सच बोलती हूँ फ्रेंड, अगर है तो मैं क्या करूँगी, इस पर काम करना शुरू करूँगी आप लोगों के लिए। तो क्योंकि मेरे क्ले पॉट पे मैं मतलब सीना ठोक कर बोलती हूँ कि ग्रिटीनेस नहीं है, ठीक है, इस तरीके से मैं चाहूँगी कि मेरा ये जो क्ले नाश्ता आया है, क्ले नाश्ता, इसमें आपको जलेबी मिलेगी दिवाली स्पेशल, आपको मलाई रोल बोले या क्ले रोल बोले, इसमें कुकीज़ मिलेगा आपको और इसमें नकुमट का बिस्किट भी मिलेगा। मैंने बहुत प्यार से और अपने दिमाग से बनवाया नकुमट बिस्किट, तो आप इसे खाए। नकुमट बिस्किट मैंने एक खाया है, तो उसमें क्या है ना, जैसे मिट्टी को चबाओ तो मुंह में मेल्ट सा हो जाता है, लेकिन नहीं, नकुमट क्रम्बल 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 रह रहा है मुंह में, मतलब कैसा एक भुसभुसा टाइप का बोले या आप उसको, उस टाइप का रह रहा है, ठीक है। तो मैं इस पर और भी मैं इसको अच्छा क्वालिटी कराने की कोशिश करूँगी, लेकिन फ्रेंड आफ्टर दीपावली, दीपावली के बाद मैं बहुत अच्छे से स्टॉक को तैयार करवाऊँगी, क्योंकि अभी ज़्यादा स्टॉक भी नहीं है। ये जलेबी मैंने कुछ ही बनवाया, सिर्फ 5 से 7 किलो बनवाया, क्योंकि ये फरमाइशी था इसीलिए। तो बस आप देखें, और मैं खुद अपने डिस्क्रिप्शन रिव्यू दूंगी अपने क्ले का एक एक खा के, क्योंकि क्ले पॉट आर क्लियर, क्योंकि ये अभी जितना भी जा रहा है ना मेरे न्यू स्टॉक से जा रहा है, आप लोग सबको मालूम है कि मैंने कुहार भाई चेंज कर दिया है। तो बस आप देखें और ऑर्डर करें, क्योंकि क्ले पॉट का, कोलकाता क्ले पॉट का तो एज़ यूजल बहुत ही मस्त डिलीशियस रिव्यू है कि आपका जो कोलकाता क्ले पॉट है मैम बहुत मस्त है, और जितने जो मिक्स गए वो भी। और एक शिकायत है मेरा, ये जलेबी तो मैंने बनवा लिया लेकिन इसमें ब्रोकन बहुत निकल रहा है, इसलिए कि मैं खुद अगर बना के कस्टमर का पैकिंग कर रही हूँ, बीच से पकड़ रही हूँ, साइड से टूट जा रहा है, तो ये ऐसा हो रहा है क्योंकि ये हाफ बेक्ड में है, और क्या बोलूँ उसको,
हाफ बेक्ड में है, सॉफ्ट में है, तो ये टूट जा रहा है। बहुत ही ब्रोकन ऐसा जलेबी का निकला है, क्या करूँ। लेकिन ये कॉस्ट पड़ता है वो कुछ समझ नहीं आ रहा मुझे, लेकिन ये भी एक किसी ने मांगा है तो शायद मैं ब्रोकन में निकालूं। अभी खुद बोल नहीं सक रही कि मैं ब्रोकन में इसको निकालूंगी कि नहीं निकालूंगी। ये क्ले रोल देखें, देखिए अंदर तक कितना इसका 3 परत है क्ले रोल का। और ये भी मिट्टी का क्वालिटी मैं अभी गारंटी नहीं कर सक रही हूँ। हाँ, कोलकाता क्ले पॉट का मिट्टी है, लेकिन मिट्टी छना है कि नहीं छना है, उसने छाना है कि नहीं छाना है, क्योंकि मैंने सिर्फ फ़ोन में ऑर्डर दिया, उसने बनाया, ये दूसरे को हर बाई का बात बोल रही हूँ मैं, तो ये अभी मैं कुछ चेक करूँगी। ठीक है, तो बस अभी मेरा ऑर्डर जिससे आया, स्टॉक आया, मैंने बहुत ऑर्डर था, मैंने लगा दिया। तो आप लोग इंजॉय करें जलेबी, और दीपावली के बाद तो भरपूर मात्रा में आ जाएगा। ठीक है, अभी क्ले लड्डू भी आ रहा है मोतीचूर का, तो वो भी आ जाएगा आप लोगों के लिए। हाँ, और एक मेरा ऑर्डर आ रहा था कि 10 किलो, किसी ने बोला मैम मुझे वो स्टफ़ वाले आपने जो बनाए थे ना, वो क्ले सॉरी वो स्लेट आइटम का वो स्टफ़ वाला कुकीज़, उसके काफ़ी ऑर्डर आ रहे हैं। तो फ्रेंड वो अभी नहीं बना सकती हूँ मैं, 10 kg का ऑर्डर आ गया उसका मेरा, लेकिन आफ्टर दीपावली। और ये मेरे देखिए, ये प्रोडक्ट मेरे न्यू लॉन्च हुए हैं, ये है नकुमट बिस्किट। तो मैं आपको दिखा रही हूँ नकुमट बिस्किट, आपको ऐसा लगता होगा ये स्मोकी है, कच्चा है, नहीं, नकुमट ब्लैक होता है, तो ये इसलिए इसका कलर ब्लैक है। वो काली मिट्टी को हमारे कोलकाता क्लेपॉट की मिट्टी से मिलाकर इसको ऐसा शेप देकर बेक्ड किया गया है, बहुत हार्डली बेक्ड नहीं किया गया है, सॉफ्टली बेक किया गया है। आपको चाहिए आप ऑर्डर कर सकते हैं, लेकिन इसका कॉस्टिंग थोड़ा सा ये है कि नकुमट नकुमट का बना हुआ है, नकुमट हमें कॉस्टिंग से मिलता है और उससे ये बना हुआ है। खैर, मैंने एक खाया, मेरे को अच्छा लगा नकुमट बिस्किट। इस पर मैं और काम और भी इस पर बारीकी से काम करूँगी। तो खैर, इसका ऑर्डर है किसी का, ये मैं दे रही हूँ। अभी मैंने बहुत ज़्यादा ये कुकीज़ का स्टॉक सब नहीं बनवाया, हार्डली 7-8-10 किलो तक का, मतलब एक एक का बनवाया ऐसे ही। तो आप ऑर्डर कर सकते हैं फ्रेंड। बाय बाय, लव यू।